हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमॉन फायर एंड टेन। जहाँ पे गए पिछली बार हम लोगों ने ट्रैवल किया था 1, 2 एंड 3 आइलैंड की तरफ। सो गाइस यार यहाँ पर हम जाने वाले हैं दोस्तों आज टू द विक्ट्री रोड। यस गाइस यार आज हम दोस्तों एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं दोस्तों विक्ट्री रोड को। सो यस गाइस यार लेट्स गो टू द, यहाँ से हमें जाना होगा सीधा यहाँ पे विरिडियन सिटी में। एंड गाइस यार देन हमें जाना होगा यहाँ से दोस्तों लेफ्ट में, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर इंडिगो प्लेटो में। सो लेट्स गो, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यार स्टॉक भर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर यार स्टॉक तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे यहाँ से फिर से जाना होगा बाहर की तरफ। सो यस गाइस यार यहाँ पर मैं अपना स्टॉक जो है वो भर के आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं सीधा गया था गाइस यार सिनेबार आइलैंड की तरफ, क्योंकि यार सेलोडॉन डिपार्टमेंटल स्टोर में भी इतना ज्यादा कुछ अच्छा खासा मिला नहीं मुझे। ओके, हाय एल्बिडो, व्हाट डू, व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर। सो यू आर गोइंग टू अ पोकेमॉन लीग, यू आर कलेक्टेड ऑल द बैजेस टू, दैट्स कूल। Then I will wipe you, Drew, as a warm up for the Pokemon League. Come on. So here we go, guys. यार यहाँ पे अल्बिडो हमसे क्विक बैटल करना चाहते हैं बिफोर राइट जस्ट बिफोर द दोस्तों चैलेंजिंग द एलिट फोर्स। देखते हैं यार यहाँ पर इसके भी यार काफी ज्यादा यहाँ पर अब तक इसने अल्टीमेट एलियंस का इस्तेमाल किया नहीं है, शायद इसके पास अभी भी वही होगा, उसने यार अब तक अल्टीमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया नहीं होगा। देखते हैं यार यहाँ पर ना मैं अपनी हिट बस्ट को लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि यार वाइल्ड मेट तो ज़्यादा टिक नहीं पाया एंड यार उसकी वजह से मैंने अपना वो भी खो दिया अपना जो है अल्टीमेट वाइल्ड मेट का। तो देखते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी ओके हमने बिक्चल को जो है यहाँ पे डाउन कर दिया है। नेक्स्ट अप है एकों, इसको भी इनको भी डाउन कर देते हैं। यहाँ पे एक स्टील टाइप एलियन है तो यार डाउन हो ही जाएगा। ओके, गलेलियन कौन सा है, अरे यार मैं हर वक्त भूल जाता हूँ यार, गलेलियन एक गाइस यार ग्रेव अटैक है। चलो यार अच्छा हुआ इस बार मैं याद आया, बट यार उसने तो ओके यहाँ पर ओवरफ्लो आ चुका है ओमनी हेनांस। सो यार इस बार ना मैं अब तक मेरे पास कोई भी तोड़ नहीं है, बट यार जल्दी ही आ जाएगा, शायद कल ही आ जाए, क्योंकि यार मैं अपने यहाँ पर एक्सेलरेट को ना थंडरबोल्ट सिखा देने वाला हूँ यहाँ पर मैं दोस्तों सच्ची में कहूँ तो। यस यहाँ पर मैं चीट का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि है इनफाइनाइट मनी का, क्योंकि यार गाइस यार इस गेम में ना पैसों की बहुत ही तंगी है मेरे पास तो, क्योंकि यार मैं जब फुल स्टोर चेकआउट करने के लिए गया ना मैं कितने ले सकता हूँ, तो टोटल में ले सकता हूँ मतलब कि बस 11। अगर मैं 11 फुल स्टोर ले लिए मुझे चाहिए कितने टोटल 50, एंड अगर उसमें से मैं कम ही ले पाया तो यार कुछ भी मतलब बनेगा नहीं। 11 तो यार मेरे पहले ही खत्म हो जाएगा पहले बैटल में, क्योंकि यार एलिट फोर्स भी दोस्तों रैंडमाइज है तो कौन भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे एलिट फोर्स। देखते हैं यार कल से ही पता चलेगा हमें, अगर आपको पता तो यार मुझे बता दीजिएगा यहाँ पर मुझे कौन सा एलियन को लेके आना चाहिए उनके खिलाफ। तो इस बार तो मैं यार अपने वाटर हैजर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड हाँ वाटर हैजर्ड को मैंने डब्ल्यू डॉट क्यों दिया, क्योंकि यार वाटर हैजर्ड इतना नाम लंबा लाम जा नहीं रहा था, इसलिए मैंने बस डब्ल्यू हैजर्ड डाल दिया, बट हाँ हम तो इसे वाटर हैजर्ड ही बोलने वाले हैं। सो गाइस यार यहाँ पर हम थैंक यू सो मच गाइस यार जिन्होंने मुझे अच्छा खासा यहाँ पर कमेंट किया इस सीरीज में कि मुझे कौन से एलियंस पकड़ने चाहिए। हाँ फीडबैक का दोस्तों कमेंट आया था, बट यार मैं फीडबैक को पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि यार मैं वही टीएम में अपने एलियन को दे सकता हूँ एक्सेलरेट को, बट हाँ आप कहोगे कि यार वह एक एक्सेलरेटर सर्फ भी सीख सकता है, बट यार अगर मैं सर्फ या थंडरबोल्ट सिखा दूँ दोनों ही मूव्स, बट तो इसके बाद जो है यहाँ पर मैं एक्सेलरेटर को ज़्यादा मूव सिखा नहीं सकता। एक तो मुझे ड्रैगन टाइप रखनी है एंड एक तो ब्रेकडी रखनी है, बट यार एक मुझे स्ट्रेंथ भी रखनी होगी, क्योंकि यार यहाँ पे दोस्तों लगेगा मुझे यहाँ पे विक्ट्री रोड के लिए, तो इसलिए यार यहाँ पर मैंने वाटर हैजर्ड को पकड़ा। बट यार यहाँ पे उसके पास यहाँ पर ह्यूमंगस और है, मुझे यार यहाँ पे अल्टीमेट चैलेंज के लिए जो होगा हमारा लास्ट वाला उसके लिए मुझे रेडी रहना होगा। इस बार तो यार हमारा बिकचिल तो काम कर रहा है, बट यार कोई आइडिया नहीं है उस बार तो यार अल्टीमेट एलियन होगा तो उस बार काम करेगा नहीं, कोई आइडिया नहीं। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि यार अपने वाटर हैजर्ड को भी सिखा ही दूँ यहाँ पे एक आइस बीम, वरना तो यार अच्छी खासी हो जाएगी हमारी शामत आ जाएगी, क्योंकि यार एक यहाँ पे ना दोस्तों अपना ये है ना एक्सेलरेट वो भी यहाँ पे डाउन हो ही रहा है, बिक्चर भी यहाँ पे डाउन हो रहा है आयरन टेल से, तो यार थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जाने ही वाला है हमारा लास्ट वाला बैटल। यस वी हैव डिफीटेड द अल्बिडो, नाउ टेल लो मी अप, आई एम रेडी फॉर द पोकेमॉन लीग, यू नो इन अबिलिटी प्रैक्टिस, बट हे यू नो दैट आई एम आउट ऑफ हियर, स्मेल या। सो यस बाय अल्बिडो, वी विल सी यू अगेन। तो गाइस यार यहाँ से मैं चले जाना हूँ वाला हूँ सीधा वो चेक गेट्स पे, क्योंकि यार वहाँ पे हमें ओके एंड गाइस बता दो तो यार यहीं से मैंने एक्सेलरेट को पकड़ा था, तो देखते हैं यार यहाँ पर ओके डायमंड हेड को भी मैंने पकड़ के रखा हुआ है, बट हाँ एक रॉन्ग ग्राउंड टाइप है तो मेरे पास पहले से ग्राउंड टाइप पहले से भी भरे पड़े हैं, इसलिए मैंने डायमंड हेड को रखा नहीं। ओके सो दिस इज द फ्रंट गेट है यहाँ पे पोकेमॉन लीग का, लेट्स गो। यहाँ पे हम चले जाते हैं दोस्तों पोकेमॉन लीग की तरफ। ओके तो ये बोल्डर बैच मांग रहा है तो इसे दे दिखा देते हैं हमारा बोल्डर बैच।
यस यहाँ पे अभी भी दिखाएगा एक कैस्केड बैज मांगेगा, तो नेक्स्ट मांगेगा कौन सा मांगेगा यार, देख लेते यार कौन सा मांगेगा। वर्मिलियन सिटी का बैज मांगेगा, कौन सा है ये, यहाँ पे थंडर बैज, ओके थंडर बैज भी हमने दिखा दिया है। सो लेट्स गो, यहाँ पर हमने टोटल 3 बैजेस दिखा दिए हैं एंड चौथा बैच दिखा देते हैं यहाँ पे। ओके तो ये है रेनबो बैच, तो हमने वो भी दिखा दिया। ओके तो लेट्स गो, यहाँ पर हमें टोटल 4 जिम बैच दिखा दिए हैं, अभी भी 4 दिखाने बाकी हैं। सो यस गाइस यार यहाँ पर हमें सर्फिंग का इस्तेमाल करना होगा हमें। सो लेट्स गो, यहाँ से हमें अभी आगे की तरफ चले जाना है। ओके ओके तो सोल बैच भी दिखा दिया हमने, तो यार इतना भी ज़्यादा चेक गेट्स इतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके तो देख लेते हैं। ओके ओवरफ्लो आ गया यार, मतलब यार यहाँ पर ओवरफ्लो मिल रहा है, बट यार मुझे तब तक मिला नहीं था। मेरे पास है दोस्तों ओवरफ्लो का स्मॉल फॉर्म एक कोल्डॉन, वो अभी तक मुझे एक पक्का वाला ओवरफ्लो मिला नहीं है, मतलब कि मैंने इवॉल्व नहीं किया है। ओवरफ्लो ही रखने का मेरा प्लान था, बट यार सेम सेम हो जाएगा ना राइवल और मेरा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब यार थोड़ा सा चेंजेस ट्राई किए मैंने खुद से। हाँ अगर बता दो तो यार मैंने कहाँ से दोस्तों पकड़ा वाटर हैजर्ड को, सो यार मतलब कि आप लोगों ने सच्ची में कहा तो यार मुझे वाटर एरिया में अपनी रेपल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट यार वो वाटर एरिया मैंने कहाँ पे दोस्तों फाइंड आउट किया, जहाँ पर आपको सर्विन सिटी का दोस्तों वाटर एरिया मिलेगा ना, यहाँ पे दोस्तों आपको केव का रास्ता जाता है, वहाँ पर आप थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करोगे तो आपको वाटर हैजर्ड मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ। ओके सो दिस इज दी अर्थ बैच, सो यस गाइस यहाँ पर हमने सारे के सारे बैजेस जो है वो दिखा दिया है। सो लेट्स गो, ओके सो वी आर इन द विक्टोरी रोड। सो यस गाइस यहाँ पर मैं बैटल भी स्किप कर देने वाला हूँ सच्ची में कहूँ तो, एंड गाइस यार वो सारे के सारे ऑफरिंग कर दूंगा ताकि यार मुझे अच्छी खासी हीलिंग मतलब कि यार एक्सपीरियंस मिल जाए। एंड हाँ सारे के सारे एलियंस को मैं लेवल 50 तक लेके जाने वाला हूँ विदाउट एनी फर्दर। सो देखते हैं गाइस यहाँ पर हमारा। ओके सो यार यहाँ पे मुझे पजल्स भी सॉल्व करने होंगे, तो यार यहाँ पे पजल्स ना मतलब कि थोड़े से बिट कन्फ्यूजिंग से है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था मुझे ये फायर एड को खेलते हुए, लगभग शायद 4 साल बीत चुके होंगे जब मैंने फायर एड खेला था, 4 या 3 साल ना जब मैंने 8वीं में था ना, अभी तो मेरी 12वीं पास आउट हुआ हूँ। परसेंटेज पूछना है तो यार मैं अभी नहीं बता सकता अभी, क्योंकि यार मुझे मिले हैं टोटल नहीं बताऊँगा गाइस यार, अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं क्यों बताऊँ। तो यार यहाँ पर देखते हैं गाइस यार। ओके तो यार मैं कह रहा था कि आपसे मैंने 8वीं में था तब जब भी मैंने फायर एड खेला था ना, तो यार अभी तो मैं 12वीं पास आउट किया, हाँ मतलब कि 4 साल तो हो चुके हैं गाइस यार। यस यहाँ पर मैं बैटल भी स्किप कर देने वाला हूँ गाइस यार, क्योंकि तो यार यहाँ पे बैटल्स करके मैं ऑफ स्क्रीन ही कर दूंगा, फिर से मुझे पीछे आना होगा। एंड इस बार मैं नहीं चाहता कि यार पहले से बहुत टाइम हो चुका है हमें, एंड मैं नहीं चाहता कि और टाइम हो जाए। तो देखते गाइस यार यहाँ पर एक ही पोकेबॉल चूज कर सकता हूँ मैं, तो देखते हैं ये चूज करते हैं। ओके सो वी ऑब्टेन द ड्रैगन क्लॉ ओवर हियर, तो लेट्स गो गाइस यार यहाँ पर नाम। ओके सो नीचे से चल जाते हैं, एंड इस बार का दोस्तों यहाँ पे संडे डाउनलोडिंग ट्यूटोरियल, तो यार आपको पता ही है मैंने पहले भी कहा था पोकेमोन जेटा का होने वाला है, एंड पोकेमोन ओमेगा और भी यहाँ पे और भी कई सारे आएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस यार यहाँ पे, क्योंकि यार वो सबसे पहले तो मैं यार अपने सारे के सारे पुराने जो मैंने गेम्स खेले हुए ना उनके ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, एंड देन गाइस यार यहाँ पर मैं नए गेम्स के ट्यूटोरियल बनाऊंगा। देखते गाइस यार यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यार समय की ही यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा समय रखना चाहिए ना, थोड़ी सी देर रखो यार, मैं सारे के सारे ट्यूटोरियल डालूंगा। सो यस गाइस यार यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे बैटल्स मैंने स्किप आउट तो कर दिया है, बट जो जो मुझे कंपलसरी करने पड़ेंगे वो तो मुझे कंपलसरी करूंगा ही। देखते गाइस यार यहाँ पर मैं रेपल्स भी अच्छे खासे लेके आ चुका हूँ, चेट की वजह से मैंने ज्यादा से ज्यादा सबसे मैंने ज्यादा मैंने रेपल्स भी ले लिए, सबसे ज्यादा मैंने दोस्तों यार पोशंस एंड हाइपर पोशंस सब ले लिया है, क्योंकि यार मैंने चाहता कि और भी कई सारा टाइम लग जाए हमें, क्योंकि यार मेरे पास ज्यादा मनी होती नहीं है। सो यस आई विल बैक व्हेन आई डन विद दैट बैटल। ओके गाइस यहाँ पर हमारा बैटल भी सक्सेसफुली हो चुका है, सो चलिए गाइस यार। ओके सो वी ऑब्टेन द TM07 द हेल, सो यस यहाँ पर बैटल स्किप आउट कर देने वाला हूँ। ओके तो यार स्किप हो गया बैटल, चलो गाइस यार अच्छी बात हो गई। तो ओके यहाँ पर मुझे लगता है कि यार वो आइटम लेने के लिए मुझे वो बैटल करना ही होगा, या आई विल बैक व्हेन आई डन विद दैट।
ओके गाइस, यहाँ पर हमने सक्सेसफुली बैटल कर दिया है। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर अभी हम चलते हैं अपने आगे के सफर की तरफ। तो यस, यहाँ पर अभी नीचे की तरफ मुझे जाना होगा, बट यार ये बोल्डर मुझे पुश करना होगा ना कहीं पे, तो देखता हूँ गाइस यार कहीं पे पुश करना होगा, वो चेकआउट मुझे करना होगा। तो यस गाइस यार, मुझे पता चल गया कि ये बोल्डर मुझे कहाँ पे पुश आउट कर देना है। तो यस लेट्स गो टू पुश दैट बोल्डर ओवर हियर। तो यस, यहाँ पर मुझे वो यहाँ पर देखना होगा वो पॉइंट कौन सा होता है। यस, मुझे पता चल गया कि यार वो पॉइंट कौन सा है। तो यस, यहाँ से मुझे ओके, तो यार यहाँ पर तो आ चुका था मैं, बट यार यहाँ पर एक पोकेबॉल भी था ना। तो यस, वी ऑब्टेन द गार्ड स्पेक। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ से मैं चले जाता हूँ। ओके एंड सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार। ओके, एक लोड स्टार आ गया। नहीं यार, मुझे लोड स्टार को नहीं पकड़ना है यार। लोड स्टार मुझे नहीं पकड़ना है तुझे यार, अभी नहीं पकड़ना है मुझे यार तुझे। इतने पीछे क्यों पड़ा है मुझे मेरे। ओके तो यार मुझे लोड स्टार को डाउन ही करके जाना होगा यार। ये क्या लोड स्टार यार, तेरी नाटक है। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर अगर हिट ब्लास्ट होता यार, मैं हिट ब्लास्ट से डाउन कर देता था। तो यस गाइस, मुझे मैंने उसे डाउन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर मुझे इस बोल्डर पे दोस्तों लाना होगा, दोस्तों इस पैथ पे दोस्तों मुझे इस बोल्डर को लाना होगा। तो यस लेके आ रहा जाता है विदाउट एनी फर्दर। सो लेट्स गो, यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट लेके जाना होगा इस बोल्डर को। ओके ओके, चल 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 आगे चल यहाँ से दोस्तों, और नीचे मुझे लेके जाना होगा। ओके, यहाँ से मुझे नीचे की तरफ ढकेलना, नहीं नहीं नीचे की तरफ नहीं, यहाँ से एक और बार आगे एंड देन यहाँ से मुझे नीचे की तरफ ढकेलना होगा। ओके ओके, एक और बार, यस बस हो गया। एंड इस बार राइट नीचे के नीचे एंड बस, यहाँ पर मैंने बोल्डर को पुश आउट कर दिया है एंड मैंने जो एक और रास्ता जो है यहाँ पे निकाल लिया है। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ। ओके सो यस गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर चले जाते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पर धोधो बैटल से, यस आई एम गोइंग टू स्किप दैट दोज बैटल। सो लेट्स गो, यहाँ पर मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पर मैं बहुत ही नजदीक हूँ, बट हाँ ये बोल्डर मुझे पुश आउट कर देना होगा नीचे की तरफ, यहाँ पर मैंने वो लास्ट टाइम छोड़ था ना वो बोल्डर की तरफ। यहाँ पर हम एक भी बोल्डर रख नहीं पाए थे, वहीं पर ये बोल्डर जाएगा। सो यस लेट्स गो, यहाँ से हम चले जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। ओके, देख लेते हैं ना यहाँ पे क्या क्या होता है अभी। ओके, यहाँ से हमें नीचे की तरफ चले जाना चाहिए। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, देखते हैं यहाँ से अभी और कहीं पर जाना होगा। ओके तो यार यहाँ पे और मुझे जाना है आगे की तरफ। चलो गाइस यहाँ से जल्दी नीचे की तरफ चले जाते हैं हम। ओके, यहाँ से जल्दी से यार फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं उसे। अच्छा तो चलो गाइस, यहाँ पर हमने एक और बोल्डर को पुश आउट करके यहाँ से शायद मैंने बाहर का रास्ता शायद दोस्तों निकाल दिया है शायद। हाँ यस गाइस, यहाँ पर हमने सक्सेसफुली बाहर का रास्ता निकाल दिया है एंड यस गाइस वी आर सक्सेसफुली आउट ऑफ दिस विक्ट्री रोड पजल्स एंड यस हियर वी आर इन द पोकेमोन लीग। सो यस गाइस, आज के वाले वीडियो में भी इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। आई होप अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल में भी नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड तक से बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी वीडियोस मिस ना कर सको। एंड देन गाइस, मैं आपसे मिलता हूं दोस्तों पोकेमॉन फायर एंड बेन 10 के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय।